नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल सरवन जीएस क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे दोस्तों एमबीटी के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। वो मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था और अपने जीवन में उसने कई सारे कायर भी किए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग FST के बारे में चर्चा कर रहे थे और हम लोग दोनों की तुलना भी किए थे दोस्तों। एमबीटी जो कि धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग रखा, धर्म को उसने राजनीति में हावी ही होने नहीं दिया, लेकिन FST जस्ट उसके विपरीत में सारे कायर को किए। FST जो है जितने भी कायर किए वो सब के सब जो धर्म के पक्ष में किए। वो हिंदू मां से उत्पन्न संतान था, लेकिन अपने आप को इस्लाम साबित करने के लिए जो है, ठीक है, कई सारे कायर जो उसने किए वो कहीं कहीं हिंदू के खिलाफ में किए। इस्लाम को साबित करने के लिए सारे कायर जो इस्लाम के पक्ष में किए, उसने धर्म को राजनीति से बिल्कुल इस तरीके से जोड़ दिया दोस्तों, जिस प्रकार से कि पूरी तरीके से धर्म का जो है सत्ता में हावी हो गया, ठीक है। और कहीं कहीं ये उनकी जो है अयोग्यता थी, अदूरदर्शिता थी, जो कहीं कहीं सल्तनत काल में एक बड़ा नुकसान को लेकर के आया, ठीक है। तो FST का कायर को हम लोग देखे थे, उसने जितने भी कायर किए उलेमा वर्गों को खुश करने के लिए, अमीर वर्गों को खुश करने के लिए उसने कई सारे कायर किए, और हिंदू के विपक्ष में भी कायर किए और मुस्लिम के पक्ष में कायर किए, ठीक है। तो हालांकि विचारधारा के आधार पर है दोस्तों, ठीक है, मतलब यही सारे कायर अगर वो शायद सभी लोगों के लिए करता, ठीक है, दूरदर्शिता पूर्वक करता, तो शायद इतिहास उनको कुछ और नजर से देखता, इतिहास उनको शायद वास्तविक रूप से सल्तनत काल का अकबर की उपाधि देता, ठीक है। हालांकि उसको मतलब कि अकबर की उपाधि मिला भी है, लेकिन मतलब कुछ और नजर से, ठीक है। चलिए, तो कुछ अच्छे कायर भी FST ने किए थे, तो FST के द्वारा किए गए कायर को आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। FST ने कुछ अच्छे कायर भी किए थे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, FST ने कौन कौन सा कायर किए। चलिए तो देखते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है। FST कई सारे नहर का भी निर्माण किए थे, हम लोग चर्चा किए थे कि FST जो है शरीयत के खिलाफ उसने 24 करों को माफ कर दिया था, ठीक है, और सिर्फ 5 प्रकार का टैक्स को वसूला था न। उसमें हम लोग देखे थे खुम्स, खराज, जजिया, जकात न, मतलब इस प्रकार के टैक्स को वसूला और बाकी सभी टैक्सों को उसने क्या कर दिया, माफ कर दिया। उसने जितने भी कायर किया था वो सब के सब जो है किस प्रकार से किया था, धार्मिक लोगों को खुश करने के लिए, अमीर वर्गों को खुश करने के लिए, ताकि वो राजनीति में अपना पकड़ बना पाए, क्योंकि MBT जो है जस्ट इसके खिलाफ में कायर किया था, ठीक है। धर्म को उसने राजनीति से बिल्कुल अलग रखा था न। चलिए, तो FST जो कायर किए हैं, इसने कई सारे नहरों का भी निर्माण किए हैं, ठीक है। इसने जो है नहरों का निर्माण किया है, जैसे इसने एक सतलज नदी से नहर निकाला था, उलुग खानी नहर, ठीक है, उलुग खानी नहर, उलुग खानी नहर, ये इसने बनाया था सतलज नदी पर, सतलज नदी, ठीक है। आप लोगों को मैप तो पता ही होगा, थोड़ा सा हम चर्चा ही कर देते हैं, ठीक है। यहां से निकलती है दोस्तों सिंधु नदी, इस तरीके से जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में कराची में गिर जाती है। सिंधु की सहायिका है झेलम, जो पाकिस्तान में जाकर के सिंधु में मिल जाती है, झेलम, चिनाव, रावी, और इस प्रकार से है सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, सतलज यहीं से निकलती है, और एक नदी है आपका व्यास, ठीक है, और सब जाकर के पाकिस्तान में मिल जाती है, ठीक है। इस प्रकार से 5 नदी है, ठीक है। तो सिंधु के बाद झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज, तो इसी सतलज नदी पर इसने नहर निकाला था, ठीक है, और हरियाणा की सिंचाई के लिए इसने निकाला था। कौन सा नहर, तो उलुग खानी नहर इसने निकाला था, ठीक है, उलुग खानी नहर। उसके बाद एक नहर इसने बनाया था यमुना नदी पर, तो देखिए यहीं से निकलती है गंगा नदी, गंगा इस तरीके से निकलती है, और गंगा की सहायिका है यमुना, ठीक है, ये वाला यमुना है, और इलाहाबाद में ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो यमुना नदी पर इसने जो है निकाला था कौन सा नहर, राजबाही नहर, राजबाही नहर, नहर, ठीक है। ये सल्तनत काल का ऐसा मतलब शासक था दोस्तों, जिसने मतलब सिंचाई की व्यवस्था के लिए उसने कई सारे नहर भी निकाले थे, राजबाही नहर इसने जो है यमुना नदी से निकाले थे, और ये दोनों का दोनों नहर इसने जो है हरियाणा और पंजाब की सिंचाई के लिए, आपको पता है कि हरियाणा और पंजाब बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है, उसकी सिंचाई के लिए इसने जो है दो नहर का निर्माण किया था, ठीक है। अगर आपसे इतिहास में ये पूछा जाए दोस्तों, आपसे अगर इतिहास में ये पूछा जाए कि सल्तनत काल में सबसे पहले कौन ऐसे सुल्तान हुए जिसने नहरों का निर्माण किया, ठीक है, नहरों का निर्माण किया, तो आप लोगों को पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे कि गयासुद्दीन तुगलक न, गयासुद्दीन तुगलक जो है सल्तनत काल के प्रथम सुल्तान थे जिसने नहरों का निर्माण किया था, गयासुद्दीन
गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए कि पूरे भारतीय इतिहास में सबसे प्रथम बार नहरों का प्रमाण कहाँ दिखाई देता है, ठीक है, तो आप लोग को सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाए थे दोस्तों, याद कीजिए, ठीक है, जो अफगानिस्तान तक फैली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता न, तो भारतीय इतिहास में पूरे भारत के इतिहास में जो है सबसे प्रथम बार जो है नहरों का प्रमाण कहाँ मिलता है, तो आप लोग याद कीजिए अफगानिस्तान के सुर्तगोई में। ये पूरे भारत ये अफगानिस्तान में पड़ता है आपका, ये सिंधु घाटी सभ्यता में चलता था, ये न सिंधु घाटी सभ्यता में सुर्तगोई में जो है ये आपका भारत इतिहास में प्रथम नहर का प्रमाण मिलता है। उसके बाद जो नहर का प्रमाण मिलता है वो अथर्ववेद में नहरों का उल्लेख आता है, ठीक है, उसके बाद जो है अथर्ववेद में नहरों का उल्लेख आता है। और अथर्ववेद के बाद आप लोग याद कीजिए नंद वंश का राजा था महापद्मानंद का एक अभिलेख था जो कलिंग में मिला था, जो उड़ीसा में पड़ता है वर्तमान में। महापद्मानंद का एक अभिलेख था, ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख। इस अभिलेख में नहर का निर्माण किया गया था इनके द्वारा, यह उल्लेख आता है, ठीक है, इसमें जो है इसमें उल्लेख आता है हाथी गुफा अभिलेख में कि महापद्मानंद ने जो है, ठीक है, कलिंग को जीत करके वहां पर नहरों का निर्माण किया, और वहीं से प्रथम बार जैन धर्म के मूर्ति पूजा का भी प्रमाण मिलता है, क्योंकि जीन की मूर्ति भी वहां से वो लेकर के गए थे, ठीक है। आप लोग को बोले थे कि उसमें लिखा गया है कि मगध के राजा जो है हाथी गुफा अभिलेख में उल्लेख आता है कि मगध के राजा कलिंग को भी जीत किया और यहाँ से जीन की मूर्ति लेकर के गया। जीन का मतलब महावीर स्वामी, जिसको जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब वहां पे उसने नहरों का भी निर्माण किया। उसके बाद आप याद कीजिए, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में याद कीजिए अशोक के द्वारा सुदर्शन झील मतलब झील से नहरों का निर्माण किया गया था, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख में अभी मतलब आता है कि अशोक के द्वारा न महान सम्राट अशोक के द्वारा जो है सुदर्शन झील से इसने नहरों का निर्माण किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग दोस्तों मतलब कि जोर करके पढ़िए ताकि याद नहीं करना पड़े कुछ चीजों को, पूरे इतिहास को एक नजर में देखिए, ठीक है। तो कहीं कहीं मतलब सबसे पहले इसने नहरों का निर्माण किया न, कहीं कहीं जनता की भलाई के लिए सोचा, ठीक है। इसके बाद FST ने मतलब कई सारे बाग भी लगवाए थे दोस्तों, बगीचा लगवाए थे, कहा जाता है FST लगभग 1200 बाग लगवाए थे, ठीक है। और मुगल बादशाहों को शौक भी था इन चीजों का, ठीक है, बाग की खुद सिंचाई करते थे, बाग घूमते थे, प्रकृति की प्रेमी होते थे ये लोग, ठीक है। और मुगल बादशाह थे दोस्तों, बादशाहत की जिंदगी जीते थे, ठीक है। तो कहा जाता है FST ने जो है 1200 बाग भी लगवाए थे, 1200 बाग भी लगवाए थे, ठीक है, 1200 बाग मतलब बगीचा लगवाए थे, ठीक है। और इसके अलावा FST जो है बहुत सारे विभाग भी स्थापित किए थे, चलिए दोस्तों लाइट का प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज के कारण, ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग अब देखते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे दोस्तों कि सबसे प्राचीन काल में नहरों का निर्माण मतलब कब किया गया था, नहर के प्रमाण के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसके बाद FST के ने जो है 1200 बाग लगवाए थे न, चलिए तो इससे आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि FST ने कुछ ऐसे विभाग की भी स्थापना किए न, कई सारे विभाग की भी उसने स्थापना किया था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। FST के द्वारा निर्मित बाग, FST के द्वारा निर्माण किया गया विभाग, ठीक है, FST द्वारा स्थापित विभाग इसे लिख सकते हैं, FST द्वारा स्थापित विभाग। इसने कौन कौन से विभाग की स्थापना किया था न, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं न। इसने जो है भारतीय इतिहास का ये पहला शासक था दोस्तों, ठीक है, जिसने की रोजगार ब्यूरो बनाया था, ठीक है, एक विभाग इसने बनाया था रोजगार ब्यूरो
ये रोजगार ब्यूरो दोस्तों इसने, ठीक है, बेरोजगार के लिए भारतीय इतिहास में ये सबसे पहला शासक था दोस्तों जिसने बेरोजगारों को ध्यान में रखा था, बेरोजगार युवाओं को ध्यान में रख करके इसने बेरोजगार ब्यूरो विभाग की स्थापना कर दिया था कि जो भी युवा बेरोजगार हैं वो सल्तनत के दरबार में आए, सुल्तान के दरबार में आए और अपनी योग्यता के अनुसार वो मतलब कि नौकरी पाए, ठीक है। और अभी भी वर्तमान समय में भी दोस्तों भारतीय सरकार को ध्यान देने की जरूरत है न, एक प्रकार से बेरोजगार ब्यूरो स्थापित करने की आवश्यकता है न, जिस प्रकार से कि FST ने उस समय किया था। तो ये भारतीय इतिहास का पहला शासक है दोस्तों जिसने युवाओं के बेरोजगार युवाओं के लिए जो है बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार ब्यूरो स्थापित किया था, ठीक है। और वर्तमान सरकार को भी इसमें ध्यान देने की जरूरत है क्या। उसके बाद इसने एक विभाग की स्थापना किया था दीवान ए खैरात, ठीक है, एक विभाग इसने बनाया था दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात। खैरात का मतलब होता है क्या दोस्तों, ये विभाग था कि मतलब गरीबों को, अविवाहित स्त्रियों को, विधवाओं को अनुदान देता था। खैरात बांटना मतलब अनुदान देना, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है खैरात बांटा जाता था, अनुदान दिया जाता था वो स्त्री जो विधवा हो जाते थे, अविवाहित स्त्रियों को, ठीक है, मतलब इस प्रकार से वो मतलब विभाग से गरीबों को जो है दान देते थे, अनुदान देने के लिए इसने बनाया था, ठीक है। उसके बाद इसने एक विभाग बनाया था दीवान ए इश्तिहाक, दीवान ए इश्तिहाक, दीवान ए इश्तिहाक, इश्तिहाक, ठीक है, दीवान ए इश्तिहाक। ये विभाग इसने वृद्धों को जो है पेंशन देने के लिए बनाया था दोस्तों, जो वर्तमान में भी चलता है ना, वर्तमान में भी 60 साल के जो वृद्ध मतलब हो जाते हैं बूढ़े लोग, उन लोगों को पेंशन देती है सरकार ना, मतलब ताकि उनका जो है कि ठीक तरीके से भरण पोषण हो पाए। तो उस समय भी इसने जो है ये जो है वृद्धों को पेंशन देने के लिए बनाया गया था, ठीक है, वृद्धों को पेंशन देने के लिए इसने दीवान ए इश्तिहाक विभाग की स्थापना किया। देखिए दोस्तों ये सारे कार्य इसने किए जरूर थे, लेकिन शायद ये सारे कार्य जो है वो सभी लोगों के लिए किया होता तो शायद इसको इतिहास जो है किसी अन्य नजर से देखता, शायद इसको इतिहास जो है वास्तविक में मतलब सल्तनत काल का अकबर कहता, लेकिन ये सारे कार्य इसने सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के लिए किया था दोस्तों। तो कहते हैं कि आपके कार्य ही, आपके कर्तव्य ही, ठीक है, आपके कर्तव्य ही आपका भविष्य का निर्धारण करता है, ठीक है। शायद ये सारे कार्य ये सभी लोगों के लिए किया होता, दूरदर्शिता पूर्ण किया होता तो शायद इसको इतिहास कुछ अलग नजर से देखता दोस्तों, लेकिन इसने ये सारे कार्य सिर्फ और सिर्फ इस्लाम वर्गों के लिए किया था, ठीक है, ताकि उनकी जो है सपोर्ट पा सके, ठीक है, सपोर्ट पा सके। इसलिए दोस्तों जीवन में अगर कोई भी कार्य कीजिए तो सोच समझ करके करना चाहिए न, जिंदगी बहुत बड़ी है दोस्तों, एक ही तो जिंदगी मिला है, अगर इसमें कुछ नहीं कर पाए तो क्या है, लानत है हमारी जिंदगी का, कि मनुष्य रूपी धरती पर जो हम लोग आए हैं इस पूरी संसार में दोस्तों कई सारे जीव हैं, लाखों करोड़ों प्रकार के जीव हैं, लेकिन उसमें से एक हम लोग जीव हैं दोस्तों मनुष्य, जिसको बौद्धिकता है, जिसको ज्ञान है, ठीक है, जिसको सोचने समझने की शक्ति है। यही बौद्धिकता दोस्तों हम लोगों को जानवर से तो अलग करती है, यही बौद्धिकता तो जो हम लोगों के पास बौद्धिकता है, तो यही चीजें तो हम लोगों को मनुष्य को जानवर से अलग करती है। मनुष्य में सोचने की उतनी अधिक शक्ति नहीं दोस्तों, तब ना कहीं कहीं हमारा अगर कोई बिछड़ता है तो हमें तकलीफ होती है, लेकिन गाय का बछड़ा को बेच दीजिए आप, हालांकि उनको महसूस होती है 2-4 दिन के बाद, उसके बाद वो खत भूल जाती है ना, क्योंकि वो जानवर है दोस्तों, उसको उतनी सोचने की शक्ति नहीं है, लेकिन मनुष्य उन चीजों को अपने जिंदगी भर नहीं भूल पाती है। यही है चीजें जो मनुष्य को जानवर से अलग करते हैं, क्योंकि मनुष्य में बौद्धिकता है, सोचने की शक्ति है, और इसका उपयोग अगर हम सही स्थान पे नहीं कर पाए तो लानत है इस धरती पर मनुष्य होने का। इसीलिए एक ही तो जीवन मिला है दोस्तों, कुछ करके गुजर जाए। अब करने का तो बहुत चीजें हैं दोस्तों, ये उम्र है न, ये उम्र का पड़ाव है, बाकी जिंदगी तो इस तरीके से चलता ही रहता है क्या। चलिए उसके बाद दीवान ए इश्तिहाक वृद्धों को पेंशन देने के लिए बनाया था। उसके बाद एक विभाग बना था इसने दीवान ए रिसालत, ये लोक शिकायत विभाग था, ठीक है, दीवान ए रिसालत, ये लोक शिकायत विभाग था, यानी कि जनता की शिकायत सुनता था इसमें, ठीक है, लोक शिकायत विभाग। हालांकि इसने किया तो दोस्तों जरूर,
ठीक है, लोक शिकायत विभाग ही बना दिया था। आप याद कीजिए दोस्तों, जब इल्तुतमिश पढ़ाए थे तो उसने जनता मतलब अपने दरबार में जो है ने दो गो शेर लगा दिया था और उस पर घंटी टांग दिया था कि ताकि किसी भी जनता को जो है अगर न्याय मांगना हो तो वो घंटी बजा करके न्याय मांग सकते हैं। यही चीज है जहांगीर जो है मुगल काल में जहांगीर वही काम किए थे, वो भी अपने दरबार में घंटा टांग दिए थे ताकि किसी भी मतलब की जनता को अगर न्याय लेना हो तो वो दरबार में आके घंटी बजाए और मुगल बादशाह न्याय देंगे उनको न। और इसने तो दोस्तों एक विभाग ही बना दिया था जनता की सुनवाई करने के लिए, एक विभाग ही बना दिया था, लोक शिकायत विभाग, ठीक है, लोक दीवान या रिसालत जिसको कहते हैं न। उसके बाद एक विभाग इसने बनाया था, ठीक है, सोहरते आम, सोहरते आम, सोहरते आम, ठीक है, सोहरते आम। और ये विवाह विभाग था दोस्तों, ये जो है विवाह विभाग, विवाह विभाग, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता था दोस्तों, जब किसी भी इस्लाम स्त्री का गरीब परिवार का, ठीक है, गरीब है या मतलब विवाह नहीं हो रहा है उनका, तो इसके द्वारा उनको सहयोग दिया जाता था, उस मतलब स्त्री को विवाह करा दिया जाता था। लेकिन वो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम वर्गों के लिए था, ये सभी वर्गों के लिए नहीं था, बस यही भूल थी दोस्तों इनको इनकी। इसने कई सारे कायद, लेकिन हाँ हालांकि इसने मनुष्य के लिए बहुत सारा कायद किया, इसीलिए इसको सल्तनत काल का अकबर भी कहते हैं। लेकिन वास्तविक में अगर ये दोस्तों सभी के लिए किया होता तो वास्तविक में इसको सल्तनत काल का अकबर कहा जाता न, कहा जाता, लेकिन इसने मनुष्य के लिए किया इसलिए इसको कहा भी जाता है। इसने जो है एक विभाग बनाया था दोस्तों, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसको पीडब्ल्यूडी कहते हैं, ठीक है, इसने एक विभाग बनाया सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, निर्माण विभाग। और ये विभाग जो है पीडब्ल्यूडी विभाग न, पीडब्ल्यूडी विभाग इसने बनाया था, सार्वजनिक निर्माण विभाग इसने बनाया था न, ये सारे विभाग इसने बनाया था दोस्तों। और यही पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना जो है दोस्तों आधुनिक काल में किसने किया था, आधुनिक काल में किसने किया था, तो आधुनिक काल में जो है लॉर्ड डलहौजी ने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने न, शायद डेट दोस्तों 1854 में इसने किया था, 1854 में, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का शासन काल 1848 से 1856 है, जब यही जाएंगे, ठीक है, यही जाएंगे इन्हीं के बाद जो है 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, तो शायद 54 में इसने जो है पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना किया था आधुनिक काल में, ठीक है। और यही काम मध्यकाल में किसने किया था, तो मतलब फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। शायद ये सारे विभाग दोस्तों ये सभी के लिए बनाया होता, ये सारे कार्य अगर सभी के लिए किया होता तो शायद इसको इतिहास कुछ अलग नजर से देखता, इसको वास्तविक में अकबर का माना जाता दोस्तों, एक महान शासक के रूप में इसको जाना जाता न। लेकिन ये सारे कार्य इसने कहीं कहीं, ठीक है, सांप्रदायिकता के आधार पे किया, जो कि मतलब कहीं कहीं को जो है इतिहास उतनी अच्छी नजर से नहीं देख पाती है, ठीक है। हाँ, इसने एक कानूनी ग्रंथ भी लिखवाया था, उसका नाम था फिक ए फिरोज शाही, ठीक है, इसने एक कानूनी ग्रंथ लिखवाया था, फिक ए फिरोज शाही, कानूनी ग्रंथ, कानूनी ग्रंथ लिखवाया था फिक ए फिरोज शाही, फिक ए फिरोज शाही। और ये जो था, ये फिक ए फिरोज शाही जो लिखा गया था, ये फारसी भाषा में था, इनकी भाषा जो है फारसी, ठीक है। औरंगजेब ने भी जो है कि एक बुक लिखवाया था, मतलब औरंगजेब ने जो कानूनी ग्रंथ लिखवाया था उसको कहते हैं फतवा ए आलमगिरी, औरंगजेब ने भी लिखवाया था फतवा ए आलमगिरी, फतवा ए आलमगिरी, आलमगिरी। और इनकी भाषा जो थी ये अरबी थी, इनकी भाषा जो है अरबी थी, ठीक है, अरबी थी। तो ये सारे विभाग की स्थापना जो है एफएसटी के द्वारा किया गया था, ठीक है, ये सारे विभाग की स्थापना एफएसटी के द्वारा किया गया था। एफएसटी के समय कुछ विद्रोह भी हुआ था दोस्तों, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि एफएसटी ने कौन कौन सा अभियान चलाया, ठीक है। और कई सारे इतिहासकार जो है एफएसटी को जो है एक इस समय के काल को जो है जो कि मतलब कहीं कहीं एक विचारधारा से प्रभावित थे, ठीक है। देखिए दोस्तों, इतिहास को विचारधारा के आधार पर नहीं लिखा जाना चाहिए, ठीक है, और विचारधारा के आधार पर पढ़ाया भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास जो बीत चुका है दोस्तों उसने उस आधार पे किस प्रकार से काम किया, उस चीजों को प्रकट कर रहा है वास्तविक काम है मेरा, ठीक है। उस समय जो हुआ, किसी भी विचारधारा से प्रभावित होकर के आप इतिहास पढ़ेंगे तो फिर आप विचारधारा से प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए इतिहास का मतलब ये चीजें बीत चुका है, उसने जो कार्य किया है उसी आधार पे सोचना है, ठीक है,
तो एफएसटी ने जो कार्य किया दोस्तों इसके काल को, ठीक है, कुछ इतिहासकार ने, ठीक है, शांति का काल कहा है, समृद्धि का काल कहा है, जो इस्लाम विचारधारा से प्रभावित थे, ठीक है, जो इस्लाम विचारधारा से प्रभावित थे। ये तो एक मतलब कहीं कहीं पूर्ण रूप से जो है धार्मिक विचारधारा से इसने शासन को चलाया, न कहीं कहीं कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा के आधार पर इसने शासन चलाया। और उसी विचारधारा से प्रभावित इतिहासकार थे जियाउद्दीन बरनी, जियाउद्दीन बरनी, इसने जो है इसके काल को शांति और समृद्धि का काल नाम दिया है, समृद्धि का काल नाम दिया है, ठीक है। और मतलब जैसे ही कहा जाता है कि एफएसटी, इतिहासकार लिखते हैं कि जैसे एफएसटी दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठा, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, तो उसने इस प्रकार से अपने आप को प्रकट कर रहा था दोस्तों कि मस्जिद का, दरगाह का, खानकाह को, इन सभी को इसने बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में दान देना शुरू कर दिया। मतलब ऐसा प्रदर्शन कर रहा था कि मानो बेधर्मी का युग समाप्त हो गया है, ठीक है, और मतलब कि धर्मराज के रूप में एफएसटी आया है, धर्मराज के रूप में एफएसटी आया, इस प्रकार से इतिहासकार देखते हैं। और बरनी इसके काल को समृद्धि और शांति का काल कहते हैं। कहीं कहीं था दोस्तों, लेकिन सभी जनता के लिए नहीं था, सभी जनता के लिए नहीं था, ठीक है। तो कहीं कहीं बरनी जो है इस्लाम से विचारधारा से प्रभावित इतिहास को उसने लिखा है, न जो कि ऐसा इतिहास नहीं होना चाहिए। चलिए, तो एफएसटी ने जो कुछ अभियान चलाए हैं उसको हम लोग पढ़ लें, ठीक है। एफएसटी ने जो अभियान चलाए हैं उसको हम लोग पढ़ लें। तो उस समय बंगाल में, बंगाल का गवर्नर था उस समय इलियास शाह, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बंगाल का अभियान को देख लें। बंगाल का उस समय गवर्नर था यहाँ का इलियास शाह, इलियास शाह, ये यहाँ का गवर्नर था इलियास शाह, ठीक है। और मतलब कि यहाँ जो है, यहाँ जब इसने विद्रोह कर दिया था, इलियास शाह ने विद्रोह कर दिया था, जब इसने विद्रोह किया, ठीक है, तो इसको अभियान चलाकर जो है सिर्फ अधीन नहीं किया दोस्तों, क्योंकि वो इस्लाम के विचारधारा के विरुद्ध ही नहीं जाना चाहता था। जब उसने विद्रोह किया, इलियास शाह ने विद्रोह किया, तो इसमें एफएसटी ने अभियान तो चलाया, ठीक है, लेकिन ये पूरे क्षेत्र को नहीं जीता, सिर्फ किले को अधीन कर दिया और शेष भाग को जो है स्वतंत्र रहने दिया। यानी इसने जब मतलब इलियास शाह ने अभियान मतलब सॉरी विद्रोह किया था, तो इसको पूरा अधीन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसका किला को जीत लिया, किला को जीत करके बाकी सारा क्षेत्र को स्वतंत्र रहने दिया। यानी कि इस्लाम के खिलाफ ये जाना ही नहीं चाहता था। और कहीं कहीं ये जो है इसका मतलब सल्तनत काल की मजबूती को ये कम कर रहा था, उसकी अर्थव्यवस्था को कहीं कहीं कमजोर करने की ये नीति है, कमजोर करने की ये नीति है, ठीक है। और कहा जाता है कि 1359 ईस्वी में फिर ये स्वतंत्र हो गया, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का अंग कभी भी नहीं बना, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंग ये नहीं बना, ये जो है स्वतंत्र हो गया 1359 ईस्वी में, और ये दिल्ली सल्तनत का अंग नहीं बना। उसके बाद कहा जाता है कि बंगाल से वो सीधे लौटने के बदले ये चल जाता है जाजनगर, उड़ीसा, मतलब बंगाल से ये अभियान चला करके वापस नहीं लौटा ये दिल्ली, ठीक है, वापस दिल्ली ये नहीं गया, वो कहाँ आ गया, उड़ीसा आ गया, इसको जाजनगर कहा जाता है, जाजनगर आ जाता है, ठीक है, जाजनगर आता है ये। और यहाँ पे जो है, ठीक है, दिल्ली लौटने के बदले जाजनगर आया, उड़ीसा, ठीक है। और यहाँ जो है उलेमाओं को खुश करने के लिए, मतलब इस्लाम धर्म के जो मतलब धर्म गुरु होते थे उलेमा लोग, उनको खुश करने के लिए उड़ीसा में ही पड़ता है दोस्तों, पुरी में पड़ता है जगन्नाथ मंदिर, यहीं पे पड़ता है जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर आपको पता है दोस्तों, फेमस मंदिर है न पुरी का जगन्नाथ मंदिर, बहुत ही फेमस है ये न जगन्नाथ मंदिर पर खूब लूटपाट करता है दोस्तों, सिर्फ इसलिए कि ये उलेमा वर्ग इनसे खुश हो पाए, इसलिए वो मंदिर को लूटता है। यानी इस्लाम वर्गों को खुश करने के लिए इसने सिर्फ ऐसा किया था, ठीक है। कहा जाता है कि यहाँ भी युद्ध के भय से, मंदिर टूटने के भय से, कई सारे यहाँ के हिंदू मतलब की मतलब हिंदू शासक थे, ठीक है, जो एफएसटी की अधीनता स्वीकार कर लिए थे, ठीक है, लेकिन उसने जगन्नाथ मंदिर को लूटा। उसके बाद ये कहा जाता है कि सीधे नागरकोट, कांगड़ा पड़ता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, ये फिर यहाँ से आ जाता है इस रास्ते से, फिर यहाँ से चला जाता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे पड़ता है कांगड़ा, कांगड़ा यहाँ पे, ठीक है, वो कांगड़ा आ जाता है। और कांगड़ा में जो है ये कांगड़ा, यहाँ का शासक था राजा राय, यहाँ का शासक था राजा राय, राजा राय, ठीक है, यहाँ का शासक था राजा राय। और कहा जाता है कि यहाँ पे इसने जो है ये बहुत बड़ा सा किला था दोस्तों, ये पहाड़ी इलाका पड़ता है, ठीक है, पहाड़ी इलाका पड़ता है, और यहाँ का शासक था राजा राय,
पहाड़ी इलाका पर जो दोस्तों इसका किला पर जब मतलब घेरा डाला गया, ठीक है, इनका किला पर घेरा डाला गया, ये पहाड़ी क्षेत्र था और इस क्षेत्र में जो है इनकी सैनिकों को उतना बहुत अनुभव नहीं था, इसलिए कहा जाता है कि इसके किला को लगभग लगभग 6 महीना तक घेरे डाले रखा, ठीक है, चारों तरफ से इसके किले को 6 महीना तक घेरा डाले रखा, ठीक है, घेरा डाले रखा। और बाद में जब 6 महीना तक घेरा डाले रखा, ठीक है, तो राजा का जब सारी मतलब किला का सारा चीजें खत्म हो गया, खजाना सब, ठीक है, उनका भोजन समाप्त हो गया, तो राजा ने क्या कर दिया, उसकी अधीनता कबूल कर लिया, ठीक है, अधीनता कबूल कर लिया। उसके बाद ये क्या करता है दोस्तों, उलेमाओं का प्रशंसा पाने के लिए यहीं पे पड़ता है ज्वालामुखी मंदिर के जो है कुछ संस्कृत ग्रंथ को इसने नष्ट कर दिया, यहीं पे पड़ता है ज्वालामुखी मंदिर, ठीक है, ज्वालामुखी मंदिर, ठीक है, उलेमा वर्ग से प्रशंसा पाने के लिए इसने जो है ज्वालामुखी मंदिर में रखा हुआ था बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ, ठीक है, उसके कुछ संस्कृत ग्रंथ को इसने क्या किया, नष्ट करवा दिया, ठीक है, नष्ट करवा दिया। और उसके बाद ये इस रास्ते कांगड़ा के बाद ये इस रास्ते से आते हैं, इस रास्ते से, और उत्तर प्रदेश में आकर के, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में आकर के अपना चचेरा भाई जोना खान, ने MBT दोस्तों, जोना खान के नाम पे यहाँ पे इसने, ठीक है, एक शहर बसाया जौनपुर शहर यहाँ पे, और आज भी उत्तर प्रदेश में जौनपुर है दोस्तों, आज भी है, ठीक है, तो जोना खान के नाम पे इसने जो है, ठीक है, जौनपुर शहर बसाया। और यहाँ पे अपने बेटा था, इनका बेटा का नाम था फतेह खान, जौनपुर पर इसने अपने बेटा फतेह खान यहाँ पे अपने पुत्र फतेह खान को इसने बैठा दिया, ठीक है, अपने पुत्र जो है फतेह खान को जौनपुर में बैठा दिया, ठीक है, और जौनपुर का शासक बना दिया, और बाद में इसको अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर दिया फतेह खान को, ठीक है, उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर दिया। उसके बाद इनका एक और अभियान है, सिंध का अभियान, 1365-67 में किया था ये आसपास में, ठीक है, ये सिंध का अभियान किया था लगभग 1365-67 मतलब इलाका में, ठीक है। और यहाँ का शासक था जामशाह, देखिए यहाँ का शासक ये मंगोल से मिल गया था, ठीक है, ये शाखा दिल्ली सल्तनत का, लेकिन ये कुछ मतलब लोग लालच में आकर के ये मंगोल से मिल गया था जामशाह, और मंगोल से मिल गया था तो यहाँ पे जब अभियान चलाया FST की सेना, ठीक है, तो FST की सेना हार करके ये जो है कि अब मतलब जब ये इस क्षेत्र में हारा, और उसके बाद ये वाला भी सिंध क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, यहाँ ये भी सिंध क्षेत्र है, तो इस क्षेत्रों पे इसने अभियान चलाया था, ठीक है, सिंध में, तो ये जो सिंध क्षेत्रों में इसने अभियान चलाया, तो इसकी सेना जब ये मंगोल से मिल गया था जामशाह जब मंगोल से मिल गया था, ये सिंध है दोस्तों, सिंधु नदी के नाम पे इसको भी सिंध क्षेत्र कहते हैं, और अभी भी वर्तमान में सिंध प्रांत ये वाला है, ठीक है, तो ये सिंध प्रांत में इसने मतलब अभियान चलाया था। और जब ये सिंध प्रांत में अभियान चलाया, ठीक है, तो यहाँ का शासक था जामशाह, और इसके सैनिक जो है हार गया, और हार करके जब वो भाग रहा था, तो भागने के क्रम में ये देखिए, ये गुजरात का ये कच्छ का इलाका दोस्तों, ये दलदली इलाका है, यहाँ पे उसका दलदली में जो है उसका सैनिक फंस गया, ठीक है, सैनिक जाकर के बहुत सारा सैनिक फंस गया, और कई सारे सैनिक की मृत्यु भी हो गई, ठीक है, कई सारे सैनिक की मृत्यु भी हो गई। तब जो है FST ने यहाँ पे फिर से मतलब सिंध को जो है कि अभियान चलाया और जीता, ठीक है, जीता। और इस दरमियान में FST को लगभग लगभग 2 वर्ष लग गया, ठीक है, इस बीच में इसको जीतने में उसकी सैनिक फंस गया, हारा, फिर से अभियान चलाया, लगभग 2 वर्ष लग गया, ठीक है, और 2 वर्ष तक वो दिल्ली से बाहर रहा, 2 वर्ष तक दिल्ली से बाहर रहा। और जब जामशाह को हरा दिया उसने, ठीक है, ये इस्लाम था दोस्तों, उसके विरुद्ध नहीं जाने के लिए मात्र 4 लाख टंका लेकर के जामशाह को बरी कर दिया, ठीक है, इससे जो है खुद 4 लाख टंका लेकर के, ठीक है, 4 लाख टंका लेकर के इसको क्या कर दिया, बरी कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से FST का द्वारा किया गया कार्य था दोस्तों, उसके द्वारा चलाया गया अभियान था, ठीक है, और कहीं ना कहीं FST ने जो सल्तनत को बनाया था उसमें धर्म पूर्ण रूप से हावी हो चुका था। अब ये जो धर्म हावी हो चुका था दोस्तों, और गवर्नर को इसने क्या किया था, सभी गवर्नर को इसने वंशानुगत कर दिया, सैनिकों को वंशानुगत कर दिया, जो दिखा रहा था कि सल्तनत काल का ये अंतिम सुल्तान रहेगा, अंतिम सुल्तान रहेगा, इस प्रकार से इसने कायर को किया। और कहीं कहीं इसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, और धीरे धीरे तुगलक वंश की सत्ता क्या हो गई, इसके बाद खत्म होते हुए दिखाई दे रही है, पतन होते हुए दिखाई दे रही है।
ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, फिर हम लोग इससे आगे चर्चा करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तुगलक वंश के बारे में इससे आगे चर्चा करेंगे, आज यहीं तक रहने दीजिए। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।